नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी, दोस्तों ये महिलाओं में पाए जाने वाली आम समस्या है, तो इससे परेशान होने के बजाय आप इससे बचने और उपाय करने की आवश्यकता है। ये कोई रोग नहीं है, लेकिन इससे कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कई महिलाओं को तो ये भी नहीं पता कि ये उनको रोग है भी या नहीं, तो आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। श्वेत प्रदर, सफेद पानी या इसे लिकोरिया भी कहा जाता है, ग्रीवा से उत्पन्न श्लेष्मा के बहाव को योनि का स्राव कहा जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि मासिक चक्र के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। मासिक धर्म से पहले और बाद में स्राव होना सामान्य प्रक्रिया है। अंडोत्सर्ग के समय भी योनि स्राव होता है ताकि अंडे को तैरकर जाने में मदद कर सके। इस तरह माहवारी चक्र क्रम के दौरान थोड़ा बहुत सफेद रंग का स्राव सामान्य है, किंतु जब यह स्राव गाढ़ा नीला, हरा या पीले रंग का हो तो यह असामान्य होता है और श्वेत प्रदर नामक रोग से कहलाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि श्वेत प्रदर के क्या लक्षण हो सकते हैं। कमर दर्द होना, चक्कर आना, योनि स्थल पर खुजली होना, कमजोरी बनी रहना, योनि स्थल से बदबू आना। श्वेत प्रदर, सफेद पानी, लिकोरिया इन्हीं कारण से हो सकता है। इष्ट संक्रमण, बार बार गर्भपात के कारण, रोगग्रस्त पुरुष के साथ सहवास करने से, उत्तेजक कल्पनाएं करने से, अश्लील वार्तालाप से, योनि को स्वच्छ न रखने पर। अब आइए जान लेते हैं कि श्वेत प्रदर, सफेद पानी या लिकोरिया से कैसे बचा जा सकता है। योनि को बोरिक एसिड या फिटकरी युक्त पानी से धोएं। इसके प्रयोग से सब रोगाणु मर जाते हैं। बार बार गर्भपात न करवाना पड़े इसके लिए परिवार नियोजन युक्ति अपनाएं। सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें ताकि साथी संपर्क से रोगाणु आप में प्रवेश न कर पाए। मूत्र और सहवास के बाद योनि को हर बार साफ करें। रोग हो जाने पर शर्म को त्याग कर डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब आपको श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी से बचने के कुछ घरेलू उपाय बताते हैं। दाना मेथी को पानी में 7 से 8 घंटे के लिए भिगोएं। उसके बाद उसको पानी को भी छानकर पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने पर जल्दी आप इस समस्या से निजात पा लेंगे। चावल या मांड पीने से भी यह समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। धनिया और भिंडी का प्रयोग भी इस समस्या को कम करने में कारगर है। अदरक को छीलकर काट लें, उसके बाद इसे पानी में उबालें और तब तक पानी आधा न रह जाए उबालते रहें। इसका सेवन नियमित रूप से करें, जल्दी ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए सारे उपाय या समाधान बड़े बड़े वैद्यों और आयुर्वेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।